हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम दत्ता, क्या हाल चाल है? दत्ता बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? अजीम बात कर रहा हूँ सियालकोट से। मैं जी, सियालकोट से अजीम साहब। जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? ये मैंने ना क्लाइन इलेक्टिव बनाई है, यानी आपने जो प्रोग्राम दिया हुआ है ना, जी, उसमें जो एक्सेप्ट बैना डोल है वो नहीं मिला मुझे। चलें रहने दें, नहीं मिलता तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। अलसी और वो नौशादर वगैरह मिल गई है। हाँ जी, वो सारी चीजें मिल गई है, मैंने पता भी किए, लेकिन दो तीन दुकान दो दुकानों से पता कि मिली नहीं है। नहीं, ना रहने दें, वो होम्योपैथी वाली से मिलेगी बेलाडोना का। वहां से ही पता किया था, वो कहते नहीं हमारे पास आई। नहीं होगा, चले छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो दूसरा, ये मैं दूसरा मैंने ये पूछना था, जो हामला बकरी यानी बच्चे दे दी हुए जिस बकरी ने, जी उसे यानी बो के खाल डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, बल्कि अच्छा है। सिर्फ ये है कि जो ताज़ा सुई हो ना, जब बच्चे दिए हो तो उस हाँ वक्त जी, अच्छा भिगो के नहीं, आपने पहले को 20 दिन 21 दिन नहीं देने, वो खुश्क देने होती है। वो उस वक्त खुश्क देनी है, कल भिगो के दिया करें, बिस्मिल्लाह दें, क्यों नहीं देनी। अभी तकरीबन 15 दिन हुए हैं, चलो तो 20 दिन बाद फिर भुगो के डाला करूंगा। हाँ, वो आखिर मैं पूरा प्रोग्राम आपको दिया हुआ है ना कि किस तरह वंडा आपने तैयार करना है हामिला बकरियों के हाँ जी, लिए, हाँ जी, किया और हमने तो। खास तौर पे आपने रोजाना उसको आधा किलो दे देना करना है, हाँ जी, ठीक है? 500 ग्राम तो डेली आपने देना है उनको, हाँ जी, डॉक्टर इंशाल्लाह ठीक हो। कितना, कौन सी नस्ल की है? देसी है, काली बकरी है। देसी का। अच्छा, चले अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। पहले उसने कितने बच्चे दिए थे, दो या तीन? तीन, पहले 3 दिए थे ना, एक लेडी उसके यानी एक मर गया था, हाँ, उसका एक बच्चा आपने वो आया बताया था। था मर गया था, बाकी तो ठीक है हाँ जी, दोनों। माशाल्लाह ठीक है, दूध भी ठीक है उसका। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वह कोई अगर तो मसला हो तो जरूर प्लीज पूछ लिया करें। और सिलियाना दूसरा लेक्चरी ये दूसरा का तो बड़ा अच्छा मैंने है। ये, हाँ जी बताएं। हाँ नहीं, वो ठीक है। सेलाइन लेक्चरी जो है वो, अगर कोई चीज़ अगर उसमें नहीं भी बेलाडोना वाला मिल रहा है तो ना छोड़ दें, कोई बात नहीं, ठीक है? और ठीक है, दूसरा ये पूछ रहा था, मैंने ना बंडा बनाया हुआ जो आपने दिया वो फरबा करने के लिए, जी, उसमें जो राइस पॉलिश है उसे जो पंजाबी में तो कहते हैं वो चीज है? ये जो राइस पॉलिश है ना, ये चावल का बरादा है वो, ये जहाँ पे इसको एक तो आम चढ़ाई जब करते हैं, चढ़ाई के बाद ये मिल में लेके जाके इसको बड़ा, इसकी शक्ल अच्छी निकल आती है, बड़े चमकदार हो जाते हैं। जो ऊपर वाला जो छिलके चीज जो उतरती है ना, वो राइस पॉलिश है, इसका बरादा है। वो मैं लेके आया था ना, जो मिल रहे वो कह रहे थे ये डालते नहीं है बकरियों में, मैं तो 10 साल से पूछ नहीं लिया नहीं उनका, ये वो नहीं फक तो नहीं कहीं ले आए? फक नहीं डालता, भी चूजों के नीचे भी डालते हैं ये हाँ लोग हाँ बकरियों वही को। वही 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 है, वही है, वही है। अच्छा वही है, सही है, हाँ मैं तो फिर खत्म कर लो ना, वैसे नहीं तो नहीं आप नहीं और अपना जो बता रहे हो। जो चूजों को डालते हैं वही है, ये वही है। हाँ जी, उसमें उनके नीचे डालते हैं, सांप लेके आऊं मैं ना, नहीं, उनके नीचे डालते हैं, क्या मतलब? वो चूजों के नीचे नहीं डालते जो जो होती है वो। नहीं, वो नहीं है, वो तो फक टाइप है ना। पंजाबी में दाता कुछ तो भी कहते हैं वो, जो नए मुर्गी फार्म नए डालते हैं ना, फिर उनके नीचे डालते हैं नए नए फार्म के नीचे। नहीं, वो तो आम बरादा भी डालते हैं ना, वो ये खुराक में डालते हैं, चूजों की जब खुराक बनाते हैं उसमें भी ये डाली जाती है, लेकिन ये नीचे डालना, ये जिस तरह लकड़ी का बरादा डालते हैं ये उस तरह की नहीं है, खाकी खाकी सा रंग है। हाँ जी, शादी जैसा भी हो, चावल से ऊपर नहीं छिलका उतरता वो है। नहीं, वो छिलका वो तो फक है। अच्छा हाँ, वो तो गधों को डालते हैं, हाँ जी, गधों को डालते हैं फक, ये वो नहीं लेकिन है। मैं वो मिल से लेके आऊँ ना, जो शुगर वो होती है रखी हुई ना। बेशक आप शुगर मिल से लाए हैं, वो फक है, फक डिफरेंट चीज होती है। फक तो गधों को वो खिलाते हैं, या ये जिस तरह हम लोग स्ट्रॉ नहीं होता, या ये फक इस्तेमाल करते हैं जब इनमें बनाते हैं ना
मशरूम के लिए, खुम्बियों के लिए, तो वो फक का इस्तेमाल भी होता है उसमें, जिस तरह भूसे का इस्तेमाल होता है इस तरह फक का इस्तेमाल भी उधर होता है। ये वो नहीं है मेरी जान ये नहीं है। इसके इससे बेहतर है चावल का टोटा डाल लो। चावल का टोटा डाल, हाँ थोड़ा बहुत चावल डाल लो, आपके पास क्योंकि बहुत है ना। ठीक है ठीक है ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम सूरह अल बकरा की इस आयत के तर्जमा पर कर रहा हूँ, और तुम नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाज़त दें, फ़ीमा अल्लाह।